हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी में स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो विदाउट एयरबैग वाली गाड़ी होती है उसमें जो स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं वो कंपनी से नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विदाउट एयरबैग वाली गाड़ी में स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये विदाउट एयरबैग वाली गाड़ी है और इसमें मैं आपको स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। ये हुंडई वर्ना 1.4 2014 मॉडल की गाड़ी है। तो इसमें जो आप सिल्वर वाला पार्ट देख रहे हैं सिर्फ उसी को मैं चेंज करने वाला हूं। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी किसी भी गाड़ी में स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के अपनी गाड़ी में भी स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी में चेक करना होगा कि आपकी गाड़ी में भी सेम तरह का रिमोट कंट्रोल जो कपलर है वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी गाड़ी में चेक कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी में अगर 5 वायर वाला कपलर दिया गया तो आप भी अपनी गाड़ी में जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स है वो बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप वाइट वाला क्लॉक स्प्रिंग देख रहे हैं ये सिर्फ हॉर्न का काम करता है। इसमें सिर्फ सिंगल वायर होती है, वो भी सिर्फ हॉर्न की वायर होती है। तो इसको चेंज करके फ्रेंड्स आपको ये वाला क्लॉक स्प्रिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाले क्लॉक स्प्रिंग के साथ ही फ्रेंड्स जो हमारे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो कपलर आप देख रहे हैं ये वही कपलर है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये 5-6 वायर वाला कपलर अगर आपकी गाड़ी में दिया गया तो आप अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेयरिंग के पीछे वाला जो कवर है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी का पूरा स्टेयरिंग भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। We'll be right back.
तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने अपनी गाड़ी में जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल किए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स इंस्टॉल करके उसे टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्लॉक स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा फ्रेंड्स आपको अपनी गाड़ी के लिए जो प्रॉपर फिटेड स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स है वो परचेज करने पड़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वॉच द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।